नमस्कार, मैं हूं अरविंद सागर। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम, सच के साथ एक कदम। देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति आज भी नाजुक बनी हुई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की आवाम आज भी डरी हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में दंगाइयों द्वारा उत्पात मचाया गया था। दिल्ली के कुछ इलाकों में आज भी लोग सहमे हुए हैं। कई परिवारों के घरों में ताला लगा हुआ है। दिल्ली में लगातार हिंसक घटनाएं हो रही। शासन प्रशासन के ढेर सारे प्रयासों के बावजूद किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति हिंसा के शिकार हुए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग अपने घरों में पुलिस फोर्स लगने के बाद भी डरे हुए हैं। घरों में लोग आने को तैयार नहीं। इस दिल दहलाने वाली बड़ी हिंसा में लगभग 42 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। 200 से अधिक लोग घायल अस्पतालों में जिनका इलाज चल रहा है। दिल्ली की मासूम जनता का सिर्फ एक ही सवाल है कि सरकारें एवं पुलिस प्रशासन हिंसा के दौरान क्यों सोते रहे। साथी, इस समय हम खड़े हैं शिव विहार में। यहाँ बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर जो दंगाई क्षेत्र है वो यहाँ से शुरुआत हुई थी। लोग इधर से और यहाँ देखिए जो है ना, काफ़ी इधर थोड़ा सा घुमा देखेंगे कि जो है ना आग लगी और जो घर जलाया गया, काफ़ी बुरा हाल हुआ है। अभी तक सामान्य स्थिति नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो है ना लोगों के साथ इस तरीके से कांडा मचाया गया कि कह नहीं सकते, शब्दों को हम बयान नहीं कर सकते। इस तरीके से देख रहे हैं अभी तक सामान्य स्थिति नहीं है। यहाँ पे पुलिस फोर्स लगा हुआ है और बिल्डिंगें बिल्कुल खाली हैं। लाइट नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। जो कि लोग यहाँ से घरों से बाहर जा चुके हैं और इस समय ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि पूरी तरीके से संस्थान में तब्दील हो चुके हैं। हम यहीं के लोगों से कुछ बात करते हैं और ये बताएंगे कि क्या उस समय इनके सामने क्या क्या समस्या आई और कैसा लगा। आपका नाम क्या है? आप बताएंगे कि यहाँ की जो पोजिशन किस तरीके से क्या बात है? मैडम, ये लोग जो नहीं अपने आसपास के लोग थे या कहीं बाहर से थे? अब ये तो कह नहीं सकते कि आसपास के थे या बाहर के, क्योंकि जब शोर आता है तो फिर में पता नहीं चलता कि कौन अपना है कौन बनाया। कितनी संख्या में जो संख्या होगी लोगों की, जो पत्र भी लोग कह ही नहीं सकते ना। जब भीड़ तो भीड़ ही होती है। भीड़ में कितना आदमी होता है, 500 भी होता है, 1000 भी होता है, ये तो नहीं कह सकते। आपके यहाँ क्या नुकसान उस टाइम तो हम गिनने नहीं बैठे थे ना। पोजीशन क्या हुई थी बताएंगे? उनके साहब करके यहाँ बताए हुए और रुके हुए थे। कोई सामने लगने हुए थे और ना ही आत्मा की जाल में ज़्यादा पड़ी किसी के भी मन में कोई हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन अब वो
चीज़ हो गई है हिंदू मुसलमान से। आप के वासी कहाँ पर रहते हैं? थैंक यू। यहाँ बताया जा रहा है काफ़ी लोगों के घर चले हुए हैं जो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिलाएं भी कितनी परेशान हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत भयभीत है। अभी भी सामान्य स्थिति की पोजिशन में नहीं है। यहाँ पर जो है ना काफ़ी पुलिस को लगाई, सामने ही राजधानी पब्लिक स्कूल भी है जो यहाँ से घटना को अंजाम दिया गया था। ये सामने दिख रहा है राजधानी पब्लिक स्कूल है, बिल्कुल सामने दिख रहा है राजधानी पब्लिक स्कूल आसपास के लोग जो बहुत भयभीत हैं। आज भी परेशानियों का सामना करना, यहाँ पर हम खड़े हैं। ये जो दंगा क्षेत्र है जहाँ पर सीएम ऑफिस से भी आए हुए हैं, दिल्ली सीएम ऑफिस से वैभव कुमार जी और भी यहाँ जो क्षेत्र के लोग खड़े हैं, जो पीड़ित लोग हैं जिनकी मकान है दुकानें जलाए गए हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में इतना बुरा हाल हुआ है कि शायद ही वो स्थिति बयां कर रही है कि हो सकता है कि इन लोगों की जान माल किस तरीके से बची होगी। यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं कि सर आप बताएंगे कि आपको सर क्या क्या घटना हुई? ये घटना हुई और हम 5-6 जने अंदर दिख रही थी। ये जो एकदम इतने जो हुजूम आया या इतना एकदम भीड़ जो, वो कहाँ की थी? मतलब किस किस टाइप से क्या है, क्या पता लगता है कि मतलब कैसे लोग थे? वो ये लोग कहाँ से आए हमें नहीं पता, क्योंकि वही बाहरी लोग थे, यहाँ के लोग कोई नहीं, कोई ऐसा जाना जाना चाहे नहीं था, जिसको हम जानते थे वो पैसा नहीं, कोई नहीं। तो आप बताएंगे सर, बताइए सर कि आपने क्या देखा, क्या देखा? सर मैंने जब देखा, जब मुझे पता लगा कि अंदर बाबा जी हमारे सब अंदर बंद थे, तो बाबा जी का हमारा फोन आया कि भाई तुम कहाँ पे हो, तो एक्चुअली पीछे से जो दंगाई थे वो गेट को तोड़ रहे थे बार बार, और हमारे बाबा जी की सभी फैमिली अंदर थी, तो इनका फ़ोन मेरे पास में आया, तो पूछते हैं कि भाई कहाँ पे सुने थे। मैंने कहा मामा मैं जब तक कुछ दंगाई इधर भी खड़े हुए थे, जो इधर से भी अटैक कर रहे थे और उधर से भी अटैक कर रहे थे, तो एकदम मुझे फ़ोन आया, तो मैं अपने साथ से कुछ फ्रेंड लेकर उधर से आया, तो मैंने यहाँ पे एकदम उनको ऊपर हमला किया, तो वो हमें देखकर भाग गए। फिर मैंने मामा जी को फ़ोन किया, मैंने कहा मामा जी बाहर आ जाओ, अब हम सेफ हैं। तो फिर मैं मेरी मौसी जी भी अंदर बेहन के सबको अंदर देख लिया भाई, बुरा इतना बुरा हाल था यहाँ का कि जो भी यहाँ के लोग हैं उनको ही पता है क्या हो, क्योंकि देखो हमारी मीडिया हो या हमारे प्रशासन हो वो अब आ रही है, और जो नेता भी हैं रोटी सेकने आ रहे हैं वो भी अब आ रहे हैं। उस समय पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका थी? पुलिस प्रशासन की भूमिका तो ये थी जीरो थी, यदि मैं पुलिस प्रशासन की बात करूँ तो बिल्कुल जीरो थी, क्योंकि जो भी डाउन टू अर्थ जो लड़े हैं वो हमारे पब्लिक की लड़ी है, और अपने आत्मरक्षा के लिए जो हिंदू भाई जितने भी हैं वो आत्मरक्षा के लिए लड़े हैं, मतलब क्योंकि दंगाइयों का इतना अटैक था हमारे ऊपर कि इसको बयां करना है, क्योंकि उधर से भी क्योंकि मैं ये नहीं कहता, दंगाई इधर भी थे उधर भी थे, दोनों तरफ से थे, उधर के भी बाहर से थे इधर से भी बाहर थे, इस दंगाइयों के कारण में जो नुकसान हुआ है जनता का वो जनता का हुआ है, व्यापारियों का हुआ है, भाईचारा हुआ है, बेशक ये हमारे इनके साथ में है, सब आपस में मिलजुल के रहने वाले थे, और उसमें नुकसान जो हुआ है व्यापारी का नुकसान सबसे बड़ा हुआ है। हम अभी बात करते हैं, ये वैभव जी हैं, ये सीएम ऑफिस से आए जनता का हाल चाल पता करने के लिए, यहाँ से रिपोर्ट भी भेजेंगे, तो इन्हीं से सुनते हैं कि आपने जनता में आकर क्या आपको महसूस लग रहा है या क्या आप यहाँ से सूचना देंगे? पटली मुस्तफाबाद अजनपुरा करावल नगर, उसके बाद तो बहुत ही दुखद स्थिति है, जनता के बीच में है। हम लोगों ने जो रिलीज़ अभी पर्टिकुलरली ईदगाह मैदान में अभी हम रिलीज़ कैंप सेटअप करके आ रहे हैं, लगभग 1500 से 2000 फैमिलीज़ का सेटअप वहाँ पे कराया है, फैमिलीज़ को मूव करवा दिया है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वो वहाँ पे हैं, कंपनसेशन फॉर्म्स का सारे को कैंप भी सेटअप करा दिए हैं, और जहाँ नहीं है जनता के बीच में खुद जाके बोल रहे हैं कि आप सरकार के द्वारा जो भी मुआवजा राशि है वो तो एक चलो उसकी भरपाई नहीं किया जा सकता जो भी हो सकता है, लेकिन आपको इमीडिएट हेल्प के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, हम दिल्ली सरकार का एक जो भी लिमिटेड हमारे पास अधिकार क्षेत्र है उनके अनुसार हम पूरी तरीके से अपने दिल्ली के लोगों के लिए फिर से खड़े हैं, दिल्ली के लोगों ने हमारी सरकार बनवाई है दोबारा, जी उनके साथ हर परिस्थिति में उनके साथ, क्योंकि इस समय तो इस क्षेत्र का जिस तरीके से माहौल दिख रहा है, जिस तरीके से लग रहा है कि यहाँ तो लोग जो है ना घरों से बाहर जा चुके हैं या पलायन कर चुके हैं, क्योंकि महसूस हमें नहीं लग रहा कि यहाँ लोग जो है ना अभी इस समय सामान्य स्थिति
कुछ दिनों तक होने वाली है, ऐसा महसूस हो ही नहीं रहा। देखिए सिक्योरिटी का कंसर्न तो अभी भी है बिल्कुल, क्योंकि हम लोग और एक चीज़ बहुत कॉमन है, हमने जब भी लोगों से बात की तो लोगों ने कहा है कि जो दंगाई है वो लोकल है नहीं, मतलब ये चौथा एरिया है जो मतलब एक्चुअली मुस्तफ़ाबाद में एक आध जगह था कि कुछ लोकल से लोग आने वाला, कहीं भी ये बोला गया कि लोकल नहीं है। तो ये कुछ भड़काऊ बयानों की वजह से और ऐसी चीज़ें परिस्थितियाँ पैदा हुई और दिल्ली पुलिस ने अपनी जो थोड़ी सी जो नाकामी दिखाई उसकी वजह से थोड़े इशू तो आई, लेकिन पुलिस भी अभी साथ में, प्रशासन भी हर तरह से मदद कर रहा है। बस यही उम्मीद की जा सकती है आगे चीज़ें ना लोग सब अपना जो भाईचारा दिल्ली का हमेशा से रहा है वो कायम रहे, नॉर्मल हो जाए परिस्थिति में दिल्ली सरकार अपने लोगों के साथ जो भी चीज़ें कर सकती है। धन्यवाद वैभव जी, आप अच्छा लगा कि आपने यहाँ जनता के बीच में आके जनता का दुख दर्द समझा और आप इस रिपोर्ट को आगे भेजें जिससे कि इनका पता लगे कि भाई आज जनता के बीच में क्या चल रहा है। सर आपका शुभ नाम जी। सर बताएंगे उस दिन का क्या हाल था, क्या महसूस हो रहा होगा उस समय जिस समय ऐसी कंडीशन में आप लोग यहाँ जी रहे होंगे या यहाँ का सामना करना पड़ा होगा? यहाँ पर सब कुछ सामान्य चल रहा था, भाईचारे के साथ सब लोग रह रहे हैं, किसी प्रकार का कोई इशारा कोई चीज़ यहाँ नहीं। लेकिन अचानक जो है बिगड़ा है उससे सब लोग हैरान हैं। पत्थरबाजी 24 तारीख की 2:30 बजे के आसपास पथराव शुरू होगा, अचानक मंदिर हनुमान मंदिर के पास में पथराव हुआ, दोनों तरफ से लोग जो है ना उधर से फूट के इधर से देखते देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो गया। जी जी, सामने इधर से जो देखो सामने बिल्डिंग है, हाँ हाँ देखा, इस पे कम से कम 20-50 आदमी जो है अलग अलग इधर राजधानी दो सौ आदमी इधर आ जाओ। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो आदमी नीचे खड़े हैं उसे पत्थरबाजी, फायरिंग, पेट्रोल बम, तेजाब और मतलब जो कि काफ़ी इंसिडेंट हुए, लोग बाग घायल हुए। ऐसा मैं जैसे आप बता रहे हो राजधानी को, ऐसा हो सकता है कि प्री प्लान हो ऐसा कुछ? ये प्री प्लान था, देखो ये काम एकदम नहीं हो सकता, कोई आप फौरी सोचे 10-15 मिनट का काम ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ 35 से 36 घंटे नंगा नाच चलता रहा, बहुत जबरदस्त लोग बाग है के साए में जी रहे, आमने सामने का टक्कर हो रही। मैं तो ये कहूँ कोई सीए, कोई सीए विरोधी, कोई सीए समर्थक, इस तरह से मैं ये नहीं कहता कोई हिंदू मुस्लिम, लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ कभी भी कोई माहौल इतना ख़राब नहीं हो जो पहली बार मैंने देखा। मेरी 58 साल की एज है कि पहली बार जो इतनी माहौल ख़राब, हाँ 30-35 साल हमें यहाँ हो गए। और देखो ये दुकान अपनी है शर्मा पेंट के नाम से दुकान है, ये सब सुहा हो गई, इसके पीछे मकान, ये दोनों दुकान, ये सब समाप्त कर दी, इसमें कुछ भी बाकी शेष नहीं रहा। तकरीबन समथिंग 1 करोड़ का सामान जो सुहा हो गया, जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है वो अलग से है, रोड पर आ चुके। जी 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 जी, यहाँ पर 35-36 घंटे जो चलता रहा तांडव चलता रहा, लेकिन कोई भी पुलिस प्रोटेक्शन यहाँ नहीं मिली किसी प्रकार की। हम एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहे हैं, हम फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर रहे हैं, हम 112 नंबर को फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन कोई बिजी लाइन यानी सब व्यस्त है। तो यहाँ तांडव चलता रहा, लेकिन यहाँ पे कोई हमारा जो विधायक है, इधर सुरेंद्र जी है, उधर यूनुस खान है, कोई भी हमदर्दी जताने के लिए, सहानुभूति जताने के लिए यहाँ पर नहीं आया। पुलिस प्रशासन, पुलिस के 5-4 बंदे थे, वे आए, वो कह लगे, वो जख्मी हुए ऊपर से, कह लगे भाई हम क्या करें, हमारे पास कोई अधिकार नहीं, हम गोली नहीं चला सकते, आप राम भरोसे रहो, जैसा आपको करना जैसे करते रहो, हमारे बस की कुछ नहीं है, अब मरने के लिए मरे हो जो आप, हम कुछ नहीं कर सकते। दो गाड़ियां काफ़ी देर CRPF की आई, उसके 4-5 लोग सुरक्षाकर्मी घायल हुए, वे भी खड़े हो गए जी, हम भी कुछ नहीं कर, क्योंकि हमें गोली का आदेश नहीं। आखिर साहब ये तांडव जो चलता रहा तक 35-36 घंटे, और 35 घंटे कोई भी पुलिस फोर्स, किसी प्रकार के सुरक्षा अधिकारी, यहाँ तक कि मीडिया भी नहीं आया। तो अब सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से अब इस बीच में कोई आ रहे हैं आप लोगों के पास? देखो जी, आप तो दौरे चल रहे हैं, सबकी रोटियाँ सिक रही है, कोई केजरीवाल साहब के राजनीति चल रहा, आप दौरे लगा रहे हैं, वहाँ LG साहब का भी दौरा था, कमीशन भी आ रहे हैं, तो सब आ रहे हैं।
इधर का जो है जो सांसद है क्षेत्र के आपके वो भी आए? नहीं नहीं जी, कोई मतलब नहीं, मनोज तिवारी कुछ नहीं, इधर कोई नहीं आया आवेदन। मतलब ठीक है, थोड़ा हमारे विधायक जगदीश प्रधान जी पूर्व विधायक रहे, वे पब्लिक के बीच में आए, उन्होंने सहानुभूति की, शांति की अपील उन्होंने जरूर की है, लेकिन सांसद वगैरह कोई नहीं? ना 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 जी, कोई सांसद वगैरह यहाँ नहीं है। यहाँ पर अगर ये समय रहते, अगर समय रहते यहाँ हमें पुलिस फोर्स मिल जाती, उनको अधिकार मिल जाते, तो ये इतना तांडव नहीं होता और हम बर्बाद नहीं होते, हम रोड पर नहीं आते। पुलिस फोर्स तो ये है कि भाई दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं, पुलिस फोर्स केंद्र के अंडर में था, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये चूक हुई, कहीं ना कहीं तो प्रशासन, मैं ये नहीं कहता चूक दिल्ली सरकार की हुई है, लेकिन जब से दिल्ली सरकार बनी है मैं आपको बताऊं, उसी दिन से तांडव शुरू हो गया है यहाँ पर। यानी जिस टाइम हमारे जो चुन के आए यहाँ के विधायक, उसी दिन से यहाँ पे मतलब गुंडागर्दी शुरू हो गई। तो नहीं बदले की भावना हो? हो सकता, मैं ये नहीं कह सकता, ये पॉलिटिक पार से लोगों को तो मरवाना जाना, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन माताओं के बेटे उनकी बहुत से उजड़ गई, उन्हें पार्टी ला के दे देगी, उन्हें वापस कर देगी, या जिन बहनों के सुहाग उजड़ गए उनको उनके पति वापस मिल जाएंगे, या जिनके भाई के बहन के भाई चले गए उनको मतलब भाई वापस मिल जाएंगे। समय हम खड़े हुए हैं शिव विहार, दिल्ली शिव विहार में। ये सामने वही स्कूल है, राजधानी पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी, जिस पर चढ़कर वारदात हुई थी, बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया था दिल्ली में। जो समस्या सामने आई, यहाँ देख सकते हैं कि पब्लिक का किस तरीके से आना जाना बहुत बहुत ही कम संख्या में चल रहा है। ये गलियों में सूमसाम हुआ पड़ा है, आग लगी हुई जो मकान है, बिल्डिंगें हैं, ये पड़ी हैं। यहाँ पर जो है ना काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी लगे हुए हैं। जो बगल में DRP स्कूल है, यहीं से पूरी घटना को अंजाम दिया गया था पब्लिक ने चढ़कर, दंगाइयों ने, जो कि आज इस स्कूल के अंदर जो है ना देखिए काम चल रहा है किस तरीके से अस्त व्यस्त हो रखा है। सामने है ये जो गली है, इस गली में बराबर में ही देखिए किस तरीके से पूरा गली के अंदर सारे मकान खाली पड़े हुए हैं, पूरा गली खाली पड़ी है, कोई नहीं रहने वाला है, एकदम दंगाइयों ने पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर रखा है। बहुत बुरा हाल है यहाँ शिव विहार में, किस कदर लोगों को हानि पहुँचाई है, जान माल का खतरा हुआ है, करीब 42-43 जाने जा चुकी हैं और यहाँ पर अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। लोग निकल रहे हैं लेकिन भयभीत हैं, डरे हुए हैं काफ़ी संख्या में। और ये देखिए बिल्डिंग किस तरीके से, देखिए आग लगी हुई थी इसमें खूब ज़बरदस्त तरीके से, अंधेरा पड़ा, बिल्कुल खाली पड़ी है पूरी तरीके से। इस तरफ देखिए देखिए पब्लिक जो है ना निकलती है, लेकिन अभी भी डरे हुए हैं लोग काफ़ी संख्या में। बहुत बुरा हाल है यहाँ, लोग मकानों को छोड़कर चल जा चुके हैं यहाँ से। ये देखिए ये बिल्डिंग है, इसमें गैरेज है, किस तरीके से इस बिल्डिंग के अंदर जो है ना तांडव मचाया गया है, जो कि कितनी गाड़ियाँ जली हुई हैं और पूरी बिल्डिंग कैशनेस हो रखी है। बहुत बुरा हाल है इस बिल्डिंग में यहाँ शिव विहार के अंदर, बहुत लोग जो है ना परेशान हैं, काफ़ी संख्या में जो है ना मकान खाली हो चुके हैं पूरी तरीके से, जिसमें लग रहा है कि बहुत दिनों में स्थिति सुधर पाएगी, क्योंकि लोग यहाँ से जा चुके हैं। बहुत बुरा हाल हो चुका है, ये देखिए कितना जो है ना गाड़ियाँ जली हुई हैं, देखिए कितना बुरी तरीके से हाल हो रखा है। ये दिल्ली शिव विहार का इलाका है, कितनी तोड़ फोड़ हुई है, कितनी आग जली हुई है, जो कि लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। यहाँ से लोग अब जा चुके हैं, घरों में नहीं है, अभी सामान स्थिति नहीं हुई है, लोग जो है ना अपने घरों को छोड़ छोड़ कर
दिल्ली से बाहर जा चुके हैं, बहुत परेशान हैं लोग जो है ना यहाँ पे। जैसे एम्बुलेंस और प्राइवेट गाड़ियाँ, दवाइयाँ और राहत सामग्री भी ले लेके आ रहे हैं लोगों के लिए, यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।